इतना कॉम्प्लेक्स है, पर्टिकुलरली नॉन लाइफ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, इतना कॉम्प्लेक्स है। मुझे बहुत विद्वान लोग नहीं दिखते। इंश्योरेंस शुरू करेंगे, कौन पढ़ेगा? एजेंट को एक खराब निगाह से देखा जाता था। तो एक अच्छा इंश्योरर होने के लिए उसमें डॉक्टर का मिशन होना चाहिए, एक मिशनरी का मिशनरी पैशन होना चाहिए। तो हम एजेंट कहते थे अब कंसल्टेंट एडवाइजर है, वो हमसे ज़्यादा सुखी होगा, उसने बहुत सारे लोगों का लाइफ को डूबते, फिनेंशियली डूबते से बचाया होगा। आपको पता है रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को MSCT के थ्रू कितने लोगों का जीवन हम लोगों ने सुधारा है, बचाया है, फिनेंशियल किसी ने आज तक इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं किया। इंश्योरेंस की एडवोकेसी होना चाहिए, जहां हम अच्छा काम किए हैं दोज वर्क्स नीड टू बी हाईलाइटेड एंड पीपल लाइक यू कैन हाईलाइट इट। लोग जो लोग धरातल हैं उनसे जाके मिलना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, धरातल को तो पहला जानना चाहिए। वो लीडरशिप में जा सकते, वो भी जा सकते, लेकिन वो जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो उनका हैंड होल्डिंग, ये लीडर जो बनते हैं इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका हैंड होल्डिंग वो करें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुंबई से उत्तरांचल की जो हमारी यात्रा हो रही है, इस यात्रा में आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुंबई से हमने यात्रा शुरू की और कई सारे सिटीज़ को पार करते हुए आज हम दिल्ली ग्रेटर नोएडा में आए हुए हैं और यहाँ पर हम बिमटेक इंस्टीट्यूट में बैठे हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर बिमटेक इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोफेसर्स और उनके स्टूडेंट से बातचीत करने की, जो कि स्पेशली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सीखते हैं और पढ़ाते हैं। बिमटेक इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये बिरला इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये इकलौते ऐसे इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में जो कि जिन्होंने इंश्योरेंस पर MBA कराने की शुरुआत की थी। ये तो थोड़ी सी जानकारी मुझे पता है, लेकिन हमारे साथ में डॉक्टर अभिजीत बैठे हुए हैं जो कि हमें जिनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे और इस इंस्टीट्यूट की कुछ गहराइयों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो अभिजीत जी, सबसे पहले बिफोर आई कम ऑन दिस टॉपिक आपके बिरला इंस्टीट्यूट के बारे में, आप ये पढ़ाई की इंडस्ट्री में कैसे आए? आप पहले क्या करते थे और पढ़ाई की इंडस्ट्री में आप कैसे आए, थोड़ा सा हमें बताएं। मैं अपना जीवन एक तरह से टीचिंग से ही शुरू किया था। 80s आपको याद होगा, उन दिनों नौकरी पाना इतना आसान नहीं होता था। तो कुछ दिन मैं एक जगह पढ़ाया और वो स्कूल लेवल की पढ़ाई होती थी, लेकिन अच्छी पढ़ाई होती थी, कॉन्वेंट इंस्टीट्यूशन था। तो उस समय जब पढ़ा रहे थे तो मुझे ये पता लग रहा था कि शायद मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाने में सक्षम हूँ। लेकिन 86 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन किया, उस समय मुझे इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड इफ़ यू रिमेम्बर, दौर बहुत ख़राब था, नौकरी मिलता नहीं था। कोई भी नौकरी आपको अच्छा मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गया तो आप खुश होते थे, तो हम भी खुश हुए कि एक नौकरी मिल गया। और अंग्रेजी की कहावत है कि बेगर्स के नॉट बी चूजर्स, तो हम लोग चूजर्स तो थे नहीं, जो भी नौकरी मिला। बट मेरी जो अपनी इच्छा थी वो इच्छा थी कि मैं एक अच्छा जर्नलिस्ट बनूँ, और उस प्रयास में मैं कुछ प्रयास भी कर रहा था। रांची से जो अखबार निकलते थे अंग्रेजी हिंदी, उन सबों में मैं लिखता भी था। 86 में टेलीग्राफ अखबार में मैं एक डिबेट कॉम्पिटिशन में ऑल इंडिया में फर्स्ट आया। लेकिन अखबार की जो मीडिया की वर्ल्ड भी थी वो बहुत अच्छी अट्रैक्टिव वर्ल्ड तो नहीं था, उस समय उतना पैसा नहीं था। तो घर में कहा जाता था कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस उसको ले लो, आगे पीछे मत देखो। बस मैं इसी धारणा से इंश्योरेंस ज्वाइन किया, और इंश्योरेंस के बारे में मुझे कोई पता नहीं होता था। लेकिन ऐसे मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं लिखता था, तो मैं सोचा कि जब इंश्योरेंस में ज्वाइन किया 88 के आसपास, 89 का इंश्योरेंस ज्वाइन किया, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया। कौन, LIC को ज्वाइन किया? नहीं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया, ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो लिखने का जो मेरी इच्छा होती थी तो जर्नल नहीं हुआ करते थे, और एक ही जर्नल इंडिया में छपता था, उसका नाम था इंश्योरेंस टाइम्स, वो आज भी छप रहा है।
तो मैं इंश्योरेंस टाइम्स के जो एडिटर हैं, जो आज के एडिटर हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल, उनके पिताजी से फ़ोन में बात किया कि मैं आपके इसमें लिखना चाहता हूँ, तो मुझे आप बताएं कैसे लिखा जाए। तो इफ आई रिमेंबर करेक्ट इट वॉज 1988, और उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे यहाँ भेजिए कुछ आपके लेख। तो मैं इस तरह इंश्योरेंस में लिखना शुरू किया। और रांची में जब रहते थे हम, तो रांची में मैं ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, कॉमर्स में ग्रेजुएट हुए थे। थोड़े दिन बाद मैं BIT मेसरा रांची से MBA भी किया। उस समय सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक कोर्स हुआ करता था, और वो कोर्स था कि इंश्योरेंस पर भी एक वोकेशनल कोर्स शुरू हुआ। तो उस वोकेशनल कोर्स में मैं पढ़ाने गया। एक्साइज रांची में मैं पढ़ाता था, तो एक्साइज रांची में विजिटिंग फैकल्टी था। वहाँ इंश्योरेंस तो नहीं पढ़ाता था, मार्केटिंग पढ़ाता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि इंश्योरेंस के पर्चे की पढ़ाई शुरू हो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1995 के आसपास का ही। और इंश्योरेंस कोई बहुत अच्छा कोर्स तो माना नहीं जाता था। आप किसी से भी बाजार में बोलते थे तो बहुत आप इस तरह नहीं बोलते थे कि हम इंश्योरेंस में नौकरी करते थे, क्योंकि बीमा में नौकरी करना मतलब लोगों बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। बीमा में काम करने का मतलब होता है कि आप घर 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 द्वार द्वार भटकते हैं कुछ प्रीमियम कलेक्ट करके, एक ऐसी अवधारणा थी। लेकिन मैं घुसा तो मुझे थोड़ा इंश्योरेंस में इंटरेस्ट हुआ, तो मैं रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज या एक्साइज में कोशिश किया कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोर्सेज में लाइसेंसिएट एसोसिएट का थोड़ा बहुत पढ़ा के लोग एसोसिएट इंश्योरेंस का बन सके लाइसेंस। प्रयास बहुत सफल रहा, आज देखे तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे जरूर इंश्योरेंस में लाइसेंस सेट करना। फिर दूसरी प्रॉब्लम होती थी कि सरकारी नौकरी करने के पर बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, बहुत सारे चीज आप नहीं कर सकते, लेकिन एक इच्छा थी तो बस किया। बट टर्निंग पॉइंट 2007 का है। 2007 में नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी में हमारे कंपनी के द्वारा मुझे भेजा गया वहाँ, और मैं वहाँ करीब 5-6 साल रहा। एंड नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी पुणे ने इट चेंज माय कोर्स ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर। मैं NIA का भरपूर सदुपयोग किया, मुझे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। मुझे चेयरपर्सन प्रोग्राम का बनाया गया, मैं चेयरपर्सन उनका इंश्योरेंस स्टूडेंट वेलफेयर का भी बना मुझे बनाया गया। और जितनी सारी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती थी हेल्थ पर, तो लगातार 3-4 साल हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज NIA के साथ, और मुझे सब में बड़ा रोल प्ले करने का मौका मिला। वही दौर था जब मैं PhD किया पुणे यूनिवर्सिटी से, चार्टर इंश्योरेंस की एग्जामिनेशंस भी मैं वहाँ से पास किया। इंडस्ट्री के लोगों से काफ़ी ज़ोर से कनेक्ट हुआ, और बस आप मेरा स्किल समझिए या मेरी, एक छोटे सा रांची का लड़का था जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, एंड तो मैं उस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आई ग्रास्प इट विद बोथ दी हैंड्स, एंड शायद वो अभी भी हेल्प कर रहा है। ये इस तरह से हम इंश्योरेंस में मेरा। तो आप जो बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, अभी यहाँ पे आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जी, चेयरपर्सन इंश्योरेंस में। ओके, तो यहाँ पर जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक तो होता है कि मैं क्लासरूम में बैठ के सीखता हूँ, और एक होता है कि कई सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं जो 10वीं 12वीं की पढ़ाई करके यू नो डायरेक्ट मार्केट में सीख रहे हैं। तो आपका ये जो बच्चों को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कैसे ये जो यू नो क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करना कराना और ऑन फील्ड जो चीज़ें सीखना है, इसको समझाने का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है बच्चों के साथ में? देखिए, मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि इंश्योरेंस में जो भी चीज़ हुआ, सब चीज़ से मैं जुड़ा रहा। इंश्योरेंस में जब एजेंसी ट्रेनिंग हुआ, तो मैं एजेंसी ट्रेनिंग से बहुत जुड़ा रहा। मैं पटना स्थित हमारे ओरिएंटल इंश्योरेंस के वहाँ उस समय इंचार्ज हुआ करता था, ट्रेनिंग इंचार्ज हुआ करता था। तो उस समय हम लोगों ने
एजेंट्स की ट्रेनिंग देना शुरू किया और एजेंसी ट्रेनिंग में काफ़ी लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया उस समय, और दूसरी जगह से भी मैं काम करता था उस पर भी ट्रेन किया। जब ब्रोकिंग शुरू हुई तो मैं NIA में था, और जो अर्ली ब्रोकर्स जितना था उनका जो ट्रेनिंग होता था 100 आवर्स का, या फिर जो एजेंसी ब्रोकिंग रिन्यूअल का 25 आवर्स का होता था, तो अगर साल में 10 प्रोग्राम वहाँ हुआ करता था, 10 से ज़्यादा ही हुआ करता था, तो करीब सोचिए 50% से ऊपर में मैं ही उसका प्रोग्राम डायरेक्टर होता था। प्रोग्राम डायरेक्टर तो नहीं कहते हैं, वहाँ दूसरे नाम से पूछा जाता है, मतलब उसको कंसीव करना, उसको चलाना, और सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम में पास कराना। आप 15 दिन के साथ इन्वॉल्व होता था ब्रोकर्स के, तो इस तरह से जितने भी ब्रोकर्स उस दौरान हुआ तो लगभग सभी को किसी न किसी रूप में मैं पढ़ाया वहाँ पर। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं कहता हूँ कि NIA जो था मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था जीवन का। NIA से ही मुझे सब कुछ मिला। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ वो बिमटेक में हुआ। बिमटेक मुझे उसको कंसोलिडेट करने में काफ़ी हेल्प किया। अब आया पढ़ाने का, तो मैं आपको एक चीज़ बड़ा स्ट्रेट तरीके से बताता हूँ। मैं MBA किया, मैं चार्टर इंश्योरर लंदन से बना। मैं उसके बाद 2-3 साल पहले न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के सीनियर कंसल्टेंट बना। मैं इंश्योरेंस केवल 20% जानता हूँ, मुझे 80% इंश्योरेंस नहीं पता है, और मेरी समस्या बस वहीं से आती है कि इंश्योरेंस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, और सब एरिया इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो लोग इंश्योरेंस जानते हैं अगर वो उस एरिया पर बोले तो शायद दे विल बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बाकी MBA कोर्सेज के जैसा नहीं है, इट इज़ हाईली टेक्निकल कोर्स, इतना कॉम्प्लेक्स है, पर्टिकुलरली नॉन लाइफ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, इतना कॉम्प्लेक्स है कि मुझे बहुत विद्वान लोग नहीं दिखते, संभव ही नहीं है। जब मैंने कहा कि इतना इसमें ये है, और प्रॉब्लम वहाँ होता है कि कौन लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। इंश्योरेंस में PhD बहुत कम है। अब PhD होने से भी अगर आपको इंश्योरेंस का क्वालिफिकेशंस नहीं है या इंश्योरेंस कंपनी में अच्छे पोजीशंस में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद आप इंश्योरेंस के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। मेरा अपना मानना है, मैं बहुत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 91 में मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया रांची में, एक्साइसेस में 1995 से पढ़ाया, काफ़ी दिन पढ़ाया हुआ। तो ये जो इंश्योरेंस का विकास बहुत 2000 में जब 1999 के बाद जो इंडस्ट्री ओपन अप किया, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। अब बेमटेक काफ़ी बड़ा लीड रोल प्लेयर किया। मेरे डायरेक्टर दुर्गामी हैं इन द सेंस, उस समय जब ये कोर्स शुरू किए होंगे तो देयर आर नॉट मेनी टेकर्स। इंश्योरेंस शुरू करेंगे, कौन पढ़ेगा इंश्योरेंस पढ़ा के? तो एजेंट बनता है इंश्योरेंस पढ़ा के, तो ये बनता है, कौन अपना बच्चा को भेजेगा एजेंट बनने के लिए? क्या कि एजेंट को एक ख़राब निगाह से देखा जाता था, जिसको कोई नौकरी नहीं हुआ तो लगता था कि वो इंश्योरेंस एजेंसी करता है। वो अवधारणा भी है, ओवर द ईयर्स बहुत चेंज हुआ, बहुत बहुत चेंज हुआ। और मुझे, मैं आई वॉज वन हु यूज़ टू बैट कि आप इसको एजेंट्स क्यों कहते हैं, वाई डोंट यू कॉल देम कंसल्टेंट, वाई डोंट यू कॉल देम एडवाइज़र, जो उनके लिए बहुत अच्छा ये होगा। आप एजेंट कहते हैं तो लोग को लगता है, एजेंट सब पहले बैंक के एजेंट हुआ करते थे, उस तरह से चलता था, तो एजेंट को बहुत अच्छे लोग निगाह से देखते नहीं थे। लेकिन वो अवधारणा भी चेंज हुआ, अभी वो कंसल्टेंट है और बहुत अच्छे कंसल्टेंट लोग हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस को अगर आप देखें कि इंश्योरेंस की पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं, हम लोग जो कोशिश करते हैं कि इनको सारी चीज़ पढ़ाया जाए, लाइफ इंश्योरेंस पढ़ाया जाए, री इंश्योरेंस पढ़ाया जाए, मरीन पढ़ाया जाए, प्रॉपर्टी कैजुअल्टी पढ़ाया जाए, हेल्थ पढ़ाया जाए, मोटर इंश्योरेंस पढ़ाया जाए, उसके अलावा हमारे कोर्स में मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मार्केटिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट देम दैट दे ग्रो एज कंप्लीट मैनेजर,
जिसको मार्केटिंग का भी सेंस हो, जिसको फाइनेंस का भी सेंस हो, जिसको एचआर कंपनी में टीम लेके कैसे बढ़े, कैसे काम किया जाए उसका भी सेंस हो, एंड अबव ऑल उसका एनालिटिक्स का पता हो, उसको टेक्नोलॉजी भी पता हो। अब ये सारा चीज एक बच्चा में आ जाए बड़ा असंभव है। मेरा बच्चा 2 साल में डोमेन नहीं सीखता है। हम आई ज्वाइन इन 86, आज कितना साल हो गया, 2023। मुझे तो 20% इंश्योरेंस समझ में आता, तो मैं एक्सपेक्ट कैसे करूं कि मेरे बच्चे लोग बहुत इंश्योरेंस सीख जाएगा। लेकिन आजकल ये डोमेन स्पेसिफिक हुआ कि एक डोमेन में आप काम कर रहे हो तो उस डोमेन को आप बहुत अच्छा से जान सकते हो। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप बेसिक डोमेन को समझ लीजिए, उसके बाद स्पेसिफिक डोमेन में आप डेवलप कीजिए, कोई लाइबिलिटी में जाए, कोई मरीन में जाए। और बिमटेक के तो बहुत बच्चे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस पॉसिबली बिमटेक ही है जहाँ से हम लोग अभी इंडस्ट्री लीडर दिए हैं। हमारी एक स्टूडेंट हैं पॉसिबली 2008 बैच की हैं, जो म्यूनिक एशिया पैसिफिक हेड कर रही हैं सिंगापुर से। एक साहब हैं पंकज तोमर, वो क्लाइमेट को हेल्प कर रहे हैं एक्सा के, हमारे साथ कोर्स भी चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं तो इंश्योरेंस, जब मैं इंश्योरेंस को देखता हूँ तो इंश्योरेंस कैन नॉट बी टेकन लाइटली, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट। और अगर आप इसमें सीरियसनेस लेते हैं, सीरियसनेस से इस पर आगे करते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाई। अगर आप सोचते हैं कि इट इज मेयर सेलिंग ऑफ पॉलिसी, सेलिंग ऑफ पॉलिसी इज जस्ट वन कॉम्पोनेंट, एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है पूरा इंश्योरेंस इको सिस्टम का। अगर उस तरह से देखते हैं तो मुझे लगता है कि यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इंश्योरेंस। इसका दायरा, मैं मुझे याद है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में 86 में, उस समय मेरे CMD थे जीवी राव साहब, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था मुझे कि इंश्योरेंस में क्या है, लुक कस्टमर सेटिस्फैक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो इंश्योरेंस में वी सर्वाइव बाई द स्वेट्स ऑफ कॉमन पीपल, मतलब कि हम दूसरे के कॉमन पीपल के परिश्रम जो होता है, परिश्रम के से वो हमें एक प्रीमियम देते हैं। उनको कोई रिक्वायरमेंट हुआ, कोई क्लेम हुआ, किसी भी हेल्थ का, मोटर का, उसको हम अच्छे तरीके से क्लेम्स का निष्पादन करें सो दैट हम कम्युनिटी को सर्विस कर सकें। तो एक अच्छा इंश्योरर होने के लिए उसमें डॉक्टर का मिशन होना चाहिए, एक मिशनरी का मिशनरी पैशन होना चाहिए। अगर ये सब है तो वो व्यक्ति इंश्योरेंस में अच्छा करता है, अन्यथा वो पैसा कमा सकता है, वो स्पॉटलाइट में रह सकता है, लेकिन जब वो रिटायर करता है या जब वो इंट्रोस्पेक्शन करता है, अगर वो अपने आप को देखे कि मैंने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया, तो उसको लगेगा शायद सोसाइटी को मैंने बहुत कंट्रीब्यूट नहीं किया। उस अंदाज में एक कंसल्टेंट जो है, एक जिसको हम एजेंट कहते थे, अब कंसल्टेंट एडवाइज़र है, वो हमसे ज़्यादा सुखी होगा। उसने बहुत सारे लोगों का लाइफ को डूबते, फिनेंशियली डूबते से बचाया होगा, है ना। बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा लेकिन उसमें मिशनरी जिल है। लेकिन अब उसको भी पढ़ना होगा, डोमेन को बहुत अच्छा से जानना पड़ेगा। अगर आप डोमेन नहीं समझते हैं तो बहुत मिससेलिंग होगा, और मिससेलिंग होने के कारण क्या हुआ है, इंश्योरेंस में क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट है, लोग विश्वास नहीं करते। इंश्योरेंस को बहुत एडवोकेसी की ज़रूरत है। आप लोग जैसे व्यक्ति लोग इंश्योरेंस के एडवोकेसी पर काम कर सकते हैं कि इंश्योरेंस एक ऐसा जगह है, एक ऐसा विधा है जहां लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन किया जा सकता है, सिलेक्शन ऑफ राइट पॉलिसीज, है ना। और एडवोकेसी नहीं हुआ, हमें क्या मिला इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, क्लेम नहीं मिला, उस पर बहुत हमें बदनामी मिला, क्लेम ना मिलना, समय पर ना मिलना, या हमें डोमेन नॉलेज नहीं है। बहुत सारे क्लेम्स इंडस्ट्रीज ऐसे ही रिपोर्टिएट कर देते हैं, उसको समझ में ही नहीं आता इंश्योरेंस पॉलिसी, वो तो बुरी बात है। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हम लोगों ने कितने लोगों का जीवन बचाया? आपको पता है रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को MSCT के थ्रू कितने लोगों का जीवन हम लोगों ने सुधारा है, बचाया, फिनेंशियल किसी ने आज तक इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं किया कि मोटर एक्सीडेंट, केवल हम मोटर एक्सीडेंट की बात करें, यहाँ MSCT के माध्यम से हम लोगों ने लाखों आदमी का जीवन बचाया, द काइंड ऑफ मनी, अभी तो एक अवार्ड आया करोड़ रुपया का,
कितने लोगों का जीवन बचाया। तो जो एडवोकेसी होना चाहिए था कि इंश्योरेंस लोगों का काम आया। अभी इंश्योरेंस का चर्चा होता है कि ये पे नहीं करते, क्लेम नहीं करते, इनको इंश्योरेंस समझ में नहीं आता है, हाँ ये झूठ बोलते हैं, ये प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं, क्लेम नहीं देते हैं, ये सारी बातें होती है। तो टाइम हैज कम कि इंश्योरेंस की एडवोकेसी होना चाहिए। जहाँ हम अच्छा काम किए हैं, दोज वर्क्स नीड टू बी हाईलाइटेड एंड पीपल लाइक यू कैन हाईलाइट इट। आपके जैसे लोग जो लोग इस पे आए हैं इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा प्रिसाइसली जो क्वेश्चन था आपसे उसकी समरी मेरे को मिल गई है। तो सर, मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाहता था कि जो लोग इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाई कर रहे हैं और जो लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो डायरेक्ट फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में एक्चुअली में फर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग? तो मुझे समझ में ये आया आपकी बात से। मैं बता देता हूँ उसको, दो मिनट में बता देता हूँ फर्क। देखिए, इंश्योरेंस तो बेचना है। हमारे बच्चे जो इंश्योरेंस पढ़ रहे, अगर ये सोचते हैं कि बिना इंश्योरेंस पढ़ के बेच के हम सरवाइव कर जाएंगे, तो ये उनकी बेकूफी है, नादानी है। और जिस व्यक्ति ने जीवन में नहीं बेचा, आज हम लोग सब बेचते हैं, हम भी बेचते हैं, आप भी कहीं बेचते ही हैं, बेचने का फॉर्म अलग हो सकता है, बट वी ऑल बिलीव इन मार्केटिंग। वी शुड नॉट सेल आवर सेल्फ। इफ आई स्टार्ट सेलिंग माई सेल्फ आई विल वेरी सुन अनसेल माई सेल्फ। सेलिंग तो बहुत, मार्केटिंग तो बहुत ज़रूरी है। जो लोग बेचारे जिनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला लेकिन फिर भी सेल कर ले, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आई मस्ट सैल्यूट दे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन यही होता है, थोड़ा मिस सेलिंग होता है। अगर आप पॉलिसी नहीं समझते, पॉलिसी कंडीशंस नहीं समझते, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है पॉलिसी कंडीशन आम व्यक्ति का समझने, तो उनको क्या चाहिए, उनको बहुत सारी कोर्सेज चलती है, वो कोर्सेज कर लेना चाहिए। और इनसे जो मेरे बच्चे जो यहाँ से पास कर रहे हैं, इनको हम लोग इंडस्ट्री को लीडर सोच रहे हैं। इनको पहले तो लाइफ में 5 साल साथ स्ट्रगल करना चाहिए। लोग जो लोग धरातल हैं उनसे जाके मिलना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। धरातल को तो पहला जानना चाहिए। अगर आपको धरातल पता नहीं है तो आप ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। तो धरातल में काम करना चाहिए एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे शुड लीड द इंडस्ट्री, लीड द इंडस्ट्री इन अ मैनर दैट द इंडस्ट्री कैन गेट बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल। अगर मेरा पेनिट्रेशन 4.2 है GDP का तो बहुत कम है, बहुत कम है। 2047 में जो है IDA चेयरमैन चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहते हैं कि सब लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी हो। वो तभी संभव है जब वी कैन गेट बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट वो घटे। ट्रस्ट डेफिसिट तभी घट सकता है जब लोगों के पास प्रोफेशनल नो हाउ हो। हम बीमटेक या NIA पुणे या वो लोग कर कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, जो भी जहाँ भी हो, और अच्छा ट्रेनिंग दें सो दैट वी कैन गेट बैक द कॉन्फिडेंस। इनको हम लीडरशिप पोजीशंस के लिए तैयार कर रहे हैं। वो लीडरशिप में जा सकते, वो भी जा सकते, लेकिन वो जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो उनका हैंड होल्डिंग, ये लीडर जो बनते हैं इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका हैंड होल्डिंग वो करें। बहुत बढ़िया। एक आखिरी प्रश्न करना चाहता हूँ अभिजीत जी, आज इतने सालों से आप जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा यहाँ से पढ़ के गया हो और बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हो, कोई एग्जांपल आपके सामने है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम? बहुत, जैसे मैंने 2008 के यहाँ के एक बच्चे का बात बता रहा हूँ जो कि म्यूनिख री सिंगापुर से, उसका नाम सुरभि गोयल है, पंकज तोमार है, और उसके बाद एक जेंटलमैन और क्या है, बहुत सारे, पांडित जी आपको बता देंगे, बहुत सारे लोग हैं अभी तो जो लीडरशिप पोजीशंस पे जा रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम लीडरशिप पोजीशन, जिस पोजीशंस में भी है, एक लड़का है NIA पुणे में मैं पढ़ाया था, अभी वो बजाज में था, अभी प्रूडेंट में है, चेतन नायर, ऐसे बहुत सारे लड़का हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम नॉट लुकिंग एट कि लीडरशिप में कौन काम कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है। इंश्योरेंस में जो मेरा, अगर आप मुझसे पूछिएगा कि मैं अपना, मैं 64 साल हूँ, मैं अपना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स क्या, तो मैं सोचता हूँ कि इंश्योरेंस में
रिसर्च की बहुत ज़रूरी है, जिस पर अभी मेरा सारा ध्यान रिसर्च पर है। रिसर्च पर है कि हम कितना रिसर्च कर सकते हैं, वो एक एरिया है जिसमें सीरियसली काम करने की बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर है। तो लीडर तो बन ही जाएगा, 2000 में हम शुरू किए थे, तो अभी 2000 से 23 साल में अगर हमारे लोग सीनियर पोजीशंस में हैं, और आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में चले जाइए, आपको बिमटेक के लड़के बहुत, आप जाके किसी भी सीईओ से बात कीजिए प्राइवेट कंपनी में, वो कहेंगे कि बिमटेक के लड़के बहुत अच्छे कर रहे हैं। हाँ, उनको हम लोगों ने पढ़ाया भी अच्छा, और उनकी अपनी मेहनत भी है। सब कोई तो अच्छा नहीं करता है, सबको अच्छा करने के लिए उसके बाद अपना लगन, अपना पैशन होना चाहिए। हम सबको पढ़ाते हैं, लेकिन सब में दो तीन आदमी ही आगे बढ़ते हैं। तो जो भी जिस फील्ड में आगे बढ़ता है, उसका कुछ अपना पैशन होता है, अपना लगन होता है, उसकी वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड इज डिफरेंट होता है। वो स्लो ट्रेडर, मैं अपने जीवन में मैं बहुत स्लोली गार्डेड वे से कदम रखता हूँ। आई डोंट बिलीव इन डूइंग टू मैनी थिंग्स। मैं बेबी स्टेप लेता हूँ, एक एक काम छोटा छोटा करता हूँ। थोड़ा सक्सेस मिलता है तो खुश होता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिमिटेशंस को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि मेरा ये लिमिटेशंस है, मैं इस लिमिटेशंस में काम करता हूँ, बेबी स्टेप्स लेता हूँ, शायद उसमें कुछ सफलता मिल जाता है। मुझे ये समझ में आता है अभिजीत जी के, एक व्यक्ति जो डायरेक्ट फील्ड में काम कर रहा है बिना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए, और एक व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके फील्ड में जाता है, तो जो बिना इंस्टीट्यूट के गया है उसके पास में कोई सही मेंटर नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि उसको एक ग्रोथ का पाथ दिखा सके, लेकिन इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके पास में पूरी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है और बहुत सारी उसके ऊपर पढ़ाई हुई है जो उसको आगे चल के ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद। देखिए, जो फील्ड में डोमेन नॉलेज एक कॉम्पोनेंट है, इंश्योरेंस को बेचने के लिए लॉट ऑफ पर्सुएशन इज रिक्वायर्ड, वो हमारे बच्चे में कभी कभी नहीं मिलता। वो लोग डेस्परेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फील्ड में जो है, मान सकता हूँ कि उसके पास डोमेन नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी जो स्किल है बहुत डिफरेंट है। करेक्ट। उसकी जो नेटवर्किंग है बहुत डिफरेंट है। वो अपने नेटवर्किंग के थ्रू से, अपने स्किल के थ्रू से, जब वो आज, मैं बहुत लोगों को जानते हैं, कुछ लोग आपसे भी जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति आते हैं हमारे यहाँ, राजेश चेतन जी, अभी बहुत बड़े आदमी है राजेश। एक कतुल जैन है, मैं यहाँ आके देखा हूँ, मैं पुणे में भी जब देखता था, बहुत सारे नाम अभी याद नहीं आ रहा हूँ। ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं जीवन में। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी जगह से MBA नहीं किए हो या नहीं, लेकिन आज भी मैं उनका लगन देखता हूँ, उनकी ललक देखता हूँ सीखने का, और जो काइंड ऑफ बिजनेस वो करते हैं, शायद लोग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से पास करके भी ना कर पाए। तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। हाँ, कि एक रूसी मोदी साहब के बारे में सुनता था, मैं नहीं जानता हूँ कि बहुत जगह कोई MBA नहीं किए हुए थे। नहीं, MBA करने से ही हम मैनेज कर लेंगे, ऐसा कोई तो गारंटी नहीं है। जो लोग MBA नहीं है वो भी बहुत सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। हाँ, वो जहाँ उनको दिक्कत होती है वो सीख लेते हैं। जितना इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना है, उतना ही इम्पोर्टेंस फील्ड का जो जो नॉलेज है वो भी बहुत जरूरी। जो मार्केट में है वो उनको मैं ओनली पीस ऑफ एडवाइस दे सकता हूँ कि हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, बिमटेक से भी बहुत सारा सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए। आप इस तरह का सर्टिफिकेट कोर्स करके भी इंश्योरेंस का ज्ञान ले सकते हैं। हाँ, आप जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा इंश्योरेंस का, थोड़ा मैनेजमेंट का ज्ञान लेके वो उनका कंसोलिडेशन करें। जो MBA कर रहे हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि आपको फील्ड तो जाना चाहिए। अगर आप फील्ड नहीं जाते हैं, केवल ऑफिस या बैक ऑफिस में करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि यू आर रूथलेस वंडर, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि रूथलेस वंडर हो जाते हैं, तो आप रूथलेस वंडर हो जाओगे। फील्ड आपको जाना ही पड़ेगा, यू मस्ट नो। कि जब हम लोग इंडस्ट्री ज्वाइन किए थे ना, हम लोगों को ब्रांच में काम करने दिया जाता था, छोटा छोटा ब्रांच में काम करते थे, वहाँ मार्केटिंग करने बोला जाता था, और इन पब्लिक सेक्टर में वही व्यक्ति आगे बढ़ा जो मार्केटिंग किया। जो मार्केटिंग नहीं किया, और पब्लिक सेक्टर में तो ऐसा तो नहीं था कि सारे लोग MBA थे,
नॉट इवन 2% पीपल वेयर एमबीएस जब मैं जहाँ तक जानता था, दो लोग नहीं थे। लेकिन पब्लिक सेक्टर तो चला, अच्छा बिजनेस किया शुरू में, जब जरूरत थी पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर खड़ा भी उतरा, प्राइवेट कंपनीज आने के बावजूद भी पब्लिक सेक्टर चल रहा है। तो ये है कि कोई मंत्रा तो नहीं है कि आप कैसे सक्सेस होते हैं। जो जहाँ सक्सेसफुल है उसको जो चीज लगता है कमी है, आज वो सारा एवेन्यूज खुला हुआ है। आप कोर्सेस कर सकते हैं, हम लोग बिपटेक में सीरियसली कोशिश कर रहे हैं कि 3 मंथ का 4 मंथ का कोर्सेज ला के लाइफ में नॉन लाइफ में ला के उसको प्रमोट करें एंड ये करें। लेकिन इंश्योरेंस मैं अब एंड करना चाहूँगा, इज अ हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट, इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। जिसने इंश्योरेंस को लाइटली लिया वो इंश्योरेंस के साथ ऑनेस्टी नहीं कर सकता है। इज अ वेरी डिफरेंट, जहाँ आप को ऑल योर लाइफ यू हैव टू लर्न। मैं अभी भी इतनी चीज जानता हूँ, मुझे आज भी कॉम्प्लेक्स होता है, मुझे पता लगता कि एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमसे ज़्यादा जानता है। ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता था, अब उम्र के साथ मैं ये रियलाइजेशन हो गया मुझे कि मैं सब कुछ नहीं जान सकता, और थोड़ा नॉलेज भी उसमें हो जाए तो शायद मेरे लिए अच्छा है। मैं सब कुछ नहीं जान सकता इंश्योरेंस, तो मैं भी अपने स्पेशलाइजेशन में करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। सो नटसल में ही है कि इंश्योरेंस ये आने वाला दिन में दिस विल बिकम द लाइफ ब्लड। एक इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकता है जब उसकी दो आर्म बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग लेंड करेगा, इंश्योरेंस कुशनिंग करेगा, ये दोनों तब जब चलेगा, ये दो बैरोमीटर्स हैं, ये दोनों जब ठीक चलेगा, दोनों कॉल्स फॉर लॉट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, बैंकिंग को भी चाहिए, इंश्योरेंस को चाहिए, पॉसिबली इंश्योरेंस को ज़्यादा चाहिए, ताकि इंश्योरेंस का दायरा बहुत बड़ा है। करेक्ट करेक्ट सर, बहुत कुछ समझना है आपसे, बहुत कुछ जानना है, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन फिर भी आपने बहुत चीजें डिटेल में समझाई है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला, ऑन द स्पॉट आपको बुला गया और आपने इसको एग्री किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पीआईटीवी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।